नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी गुरु अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आपके लिए एक अच्छी न्यूज ये है कि डीएलएड में अभी 2/3 सीटें खाली रह गई हैं। जिनका सपना है कि वो टीचर बने और उनके मार्क्स कम हैं, तो कोई बात नहीं, अभी देखिए आपके पास डीएलएड में पूरा पूरा चांस है कि आपको एडमिशन मिल सकता है। वो चांस क्या है, देखिए यहाँ पे पढ़िए कि डीएलएड में जो 2/3 सीटें खाली रह गई हैं, ये यानी आपको बता रहे हैं कि पहले चरण में 2,42 लाख सीटों के सापेक्ष केवल 81,000 सीटों पर ही दाखिला हुआ है। डीएलएड की खाली सीटों पर दूसरे चरण की काउंसलिंग 16 अगस्त से प्रयागराज, बता रहे हैं कि 16 अगस्त से प्रयागराज देश के सरकारी और निजी डीएलएड कॉलेज की 2,42 लाख सीटों पर पहले चरण में मात्र 81,000 छात्र छात्राओं ने ही प्रवेश लिया। पहले चरण की काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट के बाद 1/3 सीटों पर प्रवेश हुआ और 2/3 सीटें अभी भी खाली रह गई हैं। सर, जो आपके सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी की ओर से प्रदेश के सभी 66 डाइट में हुई काउंसलिंग के बाद, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाद 1.33 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन काउंसलिंग कराई, जबकि मात्र 81,000 ने ही प्रवेश लिया है। तो एक बहुत बड़ी संख्या में आपके लिए सीट खाली है। अगर आपके मार्क्स कम है तो आपको जो है प्रवेश मिल जाएगा, उसके लिए आपको दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर आपको बता दें कि बहुत सारे जो आपके डायट है वहां पर भी आपकी सीटें खाली है। देखिये, इस प्रकार सीट अलॉटमेंट के बाद भी 52,000 अभ्यर्थी ने प्रवेश नहीं लिया। डीएलएड की 1.61 लाख सीटों पर प्रवेश अभी भी बाकी है। सचिव नियामक पदाधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया है कि 66 डायट, 253 अल्पसंख्यक डीएलएड संस्थान और 3010 निजी डीएलएड कॉलेज के लगभग 2.82 लाख सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया 27 जून से शुरू हुई थी और यहां पर अभी बहुत ज्यादा सीटें आपके लिए खाली हैं। इन सीटों पर जो काउंसलिंग है वो 16 अगस्त से शुरू होगी। तो इन सीटों के लिए आप जो है तैयार रहिए कि आपको जो है अगर इसमें प्रवेश लेना है, आपने फॉर्म भरा है, तो दूसरे जो है जो आपका चरण 16 तारीख से स्टार्ट होगा उसमें आप अपना जो है काउंसलिंग करा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, कैसे आप जानेंगे कि कहां कहां पर सीटें खाली हैं, कहां पर क्या चीजें हैं, तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है updeled.gov.in पर। इसमें आपको करना क्या है, सीधे नीचे आना है, यहाँ पर न्यूज फ्लैश एक है, इसमें आप जाकर के अलॉटेड एंड वैकेंट सीट स्टेटस पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की विंडो खुल करके चली आएगी, जहां पर आपको इंस्टीट्यूट दिया रहेगा और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा इंस्टीट्यूट। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा इंस्टीट्यूट की लिस्ट ऐसे सामने दिखाई पड़ने लगेगी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट का कोड क्या है। जैसे यहाँ देखिए, ये कोड लिखा हुआ है 01, तो ये जो 01 कोड है इसमें जितने भी कॉलेज यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं ये सभी आगरा के हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपके भी जो है जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसका कोई कोड होगा और उस कोड पे आप जाएंगे तब आपको दिखाई पड़ेगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और वहां मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट का कोड क्या है और वहां पे कैसे सीटें खाली हैं। तो देखिए, आपको उदाहरण के तौर पे मैं एक यहाँ पर जो है सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए गवर्नमेंट है आपका, ये जो है आपका क्या है, डायट है। इस डायट में आप देखिए यहाँ जैसे सबमिट करेंगे आपके सामने इस प्रकार से खुल के आएगा और जिसमें बता रहा है कि टोटल आपकी 186 सीट थी जिसमें से अभी की 14 वैकेंट हैं और यहाँ पे कैटेगरी पूरी दिखा रहा है कि किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें वैकेंट हैं। और अभी दोस्तों ये अपडेट नहीं है क्योंकि अभी आपको मैंने वहां पर दिखाया था न्यूज में कि बहुत ज्यादा सीटें अभी तक आपके लिए खाली हैं और उसमें अलॉट हो चुकी हैं। देखिए, अलॉट होने के बाद भी लगभग 50,000 ऐसे लोग हैं जो अलॉट होने के बाद भी जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, तो उनकी सीट क्या होगा यहाँ पर वो भी आपको वैकेंट दिखाएगी। तो अभी ये अपडेट होगा और अपडेट होने के बाद आपको यहाँ पर वो सारी चीजें वैकेंट दिखाने लगेगा। तो इस प्रकार जाकर के आप देख सकते हैं कि आपके सिलेक्टेड कॉलेज या आपके कॉलेज में कितनी सीटें आपके लिए अवेलेबल हैं और अगर वहां पे आपको प्रवेश लेना है तो आपको प्रवेश प्रक्रिया जो कि 16 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। इसके बाद दोस्तों, डीएलएड में एडमिशन लेने के बाद आपको पूरी कक्षाएं यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी, मैथ के लिए, चाहे साइंस हो चाहे कंप्यूटर हो, जिन सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होती है उन सभी की चैप्टर वाइज सारी कक्षाएं आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो उसके लिए आपको बस केवल करना इतना रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, समय समय पे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और आप इस सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, अपने दोस्तों तक भी इन बातों को पहुंचाइए, उनके तक भी इन वीडियो को शेयर करिए ताकि अगर उनको भी डीएलएड में एडमिशन लेना है तो वो आराम से इसमें एडमिशन ले पाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।